तो कल से हम आगे लेक्चर चलेंगे करेंगे। आज का लेक्चर होगा हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज के तीन ही बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी हम यूं कहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज के तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला होता है एडिटिविटी, एडिटिविटी। दूसरा होता है सर क्वांटाइजेशन, और तीसरा होता है बेसिक प्रॉपर्टी सर कंजर्वेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कुल कितने प्रॉपर्टीज में? तीन प्रॉपर्टीज में। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के सर तीन ही प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होता है एडिटिविटी, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन, और तीसरा जो अंतिम होता है वह होता है हमारा कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंतर्गत सबसे पहले एडिटिविटी रूल को हम समझेंगे। तो देखिए सर, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, सबसे पहले हम एडिटिविटी को लिख देते हैं, एडिटिविटी को समझ लेते हैं अलग तरह से। तो सबसे पहले हम समझेंगे एडिटिविटी को। एडिटिविटी एक्चुअली एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें, यानी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आप यह जानिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, तो एडिटिविटी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जितने भी चार्जेस होते हैं उन चार्जों का अलजेब्रिक सम करते हैं। क्या करते हैं? उन चार्जों का अलजेब्रिक सम करते हैं, यानी अलजेब्रिक मेथड से उसे योग करते हैं सर। यानी ऐसे कह सकते हैं कि एडिटिविटी के अंतर्गत हम विभिन्न चार्जों को वेक्टरली अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर देते हैं सर। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास Q1 चार्ज है और Q1 चार्ज में +3 कूलम आवेश है, ठीक है, और Q2 है, इसमें मैं मान लेता हूं -6 कूलम आवेश। अब एक्चुअल में क्या है कि एडिटिविटी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो जितने भी हमारे चार्जेस होते हैं उसका अलजेब्रिक सम कर देते हैं। क्या करते हैं? अलजेब्रिक सम। तो नेट चार्ज जो हमारा होता है इसके अंतर्गत, नेट चार्ज जो कि क्यू होगा, Q1 +Q2 हो जाएगा सर। ठीक है, तो Q1 का मान कितना है सर? +3 कूलम। ओके, अब Q2 का मान क्या है? देखिए, वेक्टर को प्लस कर, ये आवेश को अपन प्लस कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट हम माइनस लिख रहे हैं। फिर इन बातों को ध्यान दीजिए, -6 कूलम यानी +3 कूलम -6 कूलम बराबर कितना कूलम? -3 कूलम। यानी नेट चार्ज जो होगा Q1 और Q2 के लिए जो एडिटिविटी का होगा वो कितना होगा? -3 कूलम। और हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं इन चीजों को। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, अगर हमारे पास Q1 चार्ज है सर, ठीक है, हमारा Q1 चार्ज बराबर मान लेते हैं +3 कूलम है, और Q2 चार्ज बराबर हमारे पास 6 कूलम है प्लस में, ठीक है ना। तो जो हम नेट चार्ज इसका निकालेंगे एडिटिविटी के अनुसार, तो एडिटिविटी में हम क्या करते हैं, सिंपली चार्जेस को क्या करते हैं? योग कर देते हैं, अलजेब्रिक योग करते हैं सर। तो नेट चार्ज दैट इज Q = Q1 + Q2 सर। Q1 + Q2 की अगर बात करें तो 3 कूलम यहाँ है, ठीक है, और ऐसे +6 कूलम है हमारे पास, 6 × 3 = 9 कूलम सर। नेट चार्ज कितना हुआ सर? 9 कूलम का चार्ज हुआ हमारे पास। और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, Q1 आपके पास है मान लेते हैं 6 कूलम सर, ठीक है, +6 कूलम, एंड Q2 आपके पास है -2 कूलम सर।
तो नेट चार्ज कितना होगा सर इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार? नेट चार्ज इज इक्वल्स क्यू इज इक्वल्स क्यू वन प्लस क्यू टू, ओके दैट इज क्यू वन प्लस क्यू टू दैट इज सिक्स कूलम प्लस देखिए माइनस टू कूलम, ओके सिक्स क्यू प्लस माइनस टू कूलम इज इक्वल्स प्लस फोर कूलम चार्ज, ओके जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? तो देखिए इन तमाम उदाहरणों को जब देख रहे होंगे तो हम अलजेब्रिक सम कर रहे हैं सर, चार्जेस यहाँ माइनस होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। तो एडिटिविटी के अंतर्गत हम चार्जेस को जितने भी चार्जेस होते हैं सर वो जितने भी चार्जेस होते हैं उन तमाम चार्जेस को अलजेब्रिक सम करते हैं सर, ठीक है ना, बीजीय योग करते हैं सर, ठीक है समझ में आया? अगर हमारे पास काफी ज्यादा चार्जेस हो, मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस काफी ज्यादा हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्जेस अगर हमारे पास काफी ज्यादा होंगे तो ऐसे स्थिति में हम चार्जेस को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, एक विशेष नियम के तहत जिसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड कहेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास काफी ज्यादा चार्जेस है, क्यू वन है, क्यू टू है, क्यू थ्री है, क्यू फोर है, बहुत ज्यादा चार्जेस है सर, क्यू फाइव है, क्यू सिक्स है, बहुत सारा चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, तो एडिटिविटी के अंतर्गत उन तमाम चार्जेस का नेट चार्ज जो होगा, यानी हम मान लेते हैं हमारे पास काफी ज्यादा चार्जेस है सर, ठीक है ना, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव इन बहुत सारा चार्जेस है और उसको हमको किसमें प्रदर्शित करना है? एडिटिविटी के अंतर्गत प्रदर्शित करना है। तो नेट चार्ज जो होगा हमारे पास, नेट चार्ज जो कि क्यू होगा और वो हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर प्लस डॉट 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 प्लस क्यू एन तक चले जाएंगे सर, ठीक है। तो नेट चार्ज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बराबर समेशन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, समेशन, किसका नोटेशन है, समेशन, समेशन बोले योग, और लोअर लिमिट अगर हम चलेंगे, लोअर लिमिट कहां से चल रहे हैं, वन से कहां तक जा रहे हैं, अपर लिमिट यहां होता है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कहां से चल रहे हैं, वन से चल रहे हैं, और अपर लिमिट कहां तक गए, एन तक, किसका, तो चार्जेस का, क्यू ऑफ आई, ओके आई का अमाउंट कभी वन होगा कभी टू होगा कभी थ्री होगा, दैट इज बेसिक रूल ऑफ दैट एडिटिविटी। तो एडिटिविटी में आप यही जानिए कि जितने भी चार्जेस होते हैं एडिटिविटी के अंतर्गत, एडिटिविटी के अंतर्गत तमाम चार्जेस का हम अलजेब्रिक सम करते हैं सर, ओके चाहे वो चार्जेस प्लस में हो चाहे वो चार्जेस माइनस में हो, ठीक है ना, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तमाम चार्जों का क्या करते हैं, अलजेब्रिक हम सम कर देते हैं सर, ठीक है, बताते नहीं है, अलजेब्रिक सम करते हैं किसके अंतर्गत, एडिटिविटी के अंतर्गत, ओके समझ में आया सर, ये वीडियो में आप लोग उतार लीजिएगा सर जी, ठीक है ना, अभी नहीं सर, जब ये YouTube पर चढ़ जाएगा सर तो आप इसे उतार लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा तो आसान हो जाएगा ये टॉपिक, ओके। तो एडिटिविटी के अंतर्गत आप क्या समझे हैं कि चार्जेस का सिंपली अलजेब्रिक मेथड से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, चाहे वो चार्जेस पॉजिटिव हो चाहे वो चार्जेस निगेटिव हो, हर एक स्थिति में आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना, ऐड एक विशेष नियम अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं, ओके। चलिए दूसरा रूल जो है, और दूसरा रूल जो है चार्जेस का बेसिक प्रॉपर्टीज दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दूसरा रूल है जो वो है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन हिंदी में इसको कहते हैं क्वांटीकरण, ठीक है ना, क्या कहा जाता है हिंदी में से, क्वांटीकरण। तो क्वांटाइजेशन के अंदर देखिए बेसिक, ये भी चार्जेस का एक बेसिक प्रॉपर्टी है सर, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन के अंतर्गत सर हम दो बातों का अध्ययन करते हैं, क्वांटाइजेशन के अंतर्गत हम कितने बातों का अध्ययन करते हैं, दो बातों का अध्ययन करते हैं, पहली बात तो यह है कि चार्जेस जो होते हैं कभी स्टैटिकली मूव नहीं करते सर, पहली बात यही है, चार्जेस कभी भी सीधे पथ पर गति नहीं करता है सर, ठीक है ना, अपितु यह स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नुमा दिख रहा है आपको, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नुमा मूव करता है, क्यू वन यहाँ है, क्यू टू यहाँ है, क्यू थ्री यहाँ है, क्यू फोर यहाँ है, क्यू फाइव यहाँ है, और ये रहा क्यू सिक्स। तो इसे पर इसमें क्या होता है, क्वांटाइजेशन में हम दो रूल को पढ़ेंगे सर, पहला रूल इसमें ये है कि आवेश जो होता है कोई भी चार्ज होता है वो सीधे पथ पर गति नहीं करता है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नुमा गमन करता है।
जेतली पाथ पे मूव नहीं करता है सर, वो किस तरह के पाथ पे मूव करता है? स्टेप बाय स्टेप मूव करता है, और किस नुमा? सीडी नुमा। यानी ये देखिए, स्टेप वाला मैंने गलत कर दिया है, सीडी नुमा को मैंने टिक लगा दिया, यानी चार्जेस इस तरह मूव करते हैं, ना कि स्टेपली सर। ओके, तो इसमें आपने ये समझा पहला रूल में क्वांटाइजेशन में कि जितने भी चार्जेस होते हैं सर, चार्जेस स्टेपली मूव नहीं करते, बल्कि किस तरह मूव करते हैं? सीडी नुमा मूव करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, जिस तरह हम लोग सीडी पे चलते हैं। ओके, ये देखिए ना, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है? ओके, तो पहला में क्या है कि चार्जेज कभी भी स्टेपली मूव नहीं करता है, बल्कि ये सीडी नुमा स्टेप बाय स्टेप मूव करते रहता है। ओके, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, और देखिए बारहवीं में ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सर, दूसरा रूल इसका, मैं पहला रूल इसके अंतर्गत हम दो बातों को अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत कितने बातों का अध्ययन करते हैं? दो बातों का अध्ययन करते हैं कि चार्जेस कभी भी स्टेपली मूव नहीं करता, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप सीडी नुमा मूव करता है, और दूसरा है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा यह है, दूसरा रूल ये कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर क्वांटीकरण का डेफिनेशन आपके सामने आए तो इस बार ये जो है इसको आप डालिएगा पेपर में, ठीक है? मैं मान लेता हूं, मैं पहले इसको समझ लेता हूं, क्वांटाइजेशन का दूसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट, और यही से आपको ये चीज समझ में आएगा कि क्वांटीकरण क्या होता है, या व्हाट इज मीन बाय द क्वांटाइजेशन। ओके, व्हाट इज मीन ऑफ क्वांटाइजेशन, सॉरी, व्हाट इज मीन ऑफ क्वांटाइजेशन। ओके, मैं मान लेता हूं, इसके लिए क्या करते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को, यानी बेसिकली हम क्वांटाइजेशन को समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना। पहला रूल तो हमने क्वांटाइजेशन के अंतर्गत समझ लिया, लेकिन मेन रूल जो क्वांटाइजेशन का यही है, ठीक है। तो पहला हमने क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट को ले लिया सर, ठीक है ना। इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसको ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं, अभी ये अनचार्जेबल है सर, बी ऑब्जेक्ट अभी अनचार्जेबल है, तो अनचार्जेबल कौन है? ए ऑब्जेक्ट चार्जेबल है। अब क्या हुआ, हमने ए और बी को आपस में रगड़ा, ए और बी को आपस में क्या किया हमने, रगड़ा, यानी बार बार रगड़ा ए और बी को, दोनों को आपस में रगड़ा, ठीक है। अब क्या होता है कि ए से पहले ये अनचार्जेबल था सर, ये चार्जेबल था, अब ये चार्जेबल है, ये अनचार्जेबल है, अब हम जैसे ही इसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ए को बी में रगड़ते हैं, तो जैसे ही ए को बी में रगड़ते हैं तो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन, ए बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन किस बॉडी में चले आते हैं, बी बॉडी में चले आते हैं, यानी ए बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन किस बॉडी में चले आते हैं, बी बॉडी में चले आते हैं। मैं यहां लिख देता हूं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब ए और बी को, पहले ए चार्जेबल पार्टिकल था, चार्जेबल बॉडी था, बी अनचार्जेबल बॉडी था, जैसे ही हमने एक दूसरे को क्या किया, रब किया, घर्षित किया, तो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें आ गया, बी में आ गया, अब बी क्या हो गया, अब कितना चार्ज हुआ, यही जानना क्वांटाइजेशन कहलाता है। यानी ए से जो भी इलेक्ट्रॉन आया है किसमें, बी में आया है, अब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ चुका है तो अब ये चार्ज हो गया, अब यह बी ऑब्जेक्ट कितना चार्ज हुआ यही जानना, अब इसका क्वांटीकरण कहलाता है, क्वांटाइजेशन कहलाता है, ठीक है, समझ में आया, दिक्कत है, एक बार और समझाएं, ठीक है। देखिए एक बार मैं और समझा रहा हूं, ए एंड बी टू दो बॉडी है, ए अभी पहले चार्जेबल बॉडी था, बी अनचार्जेबल बॉडी था, ठीक है। अगर चार्जेबल बॉडी ए था तो एक पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, अब हमने क्या किया, ए और बी को आपस में रगड़ा, ठीक है सर, ठीक है ना, ए को बी में आपस में रगड़ा, अगर ये ए है ये बी है तो ये चार्जेबल बॉडी है, ये अनचार्जेबल बॉडी है, जैसे ही हम इसको रगड़ते हैं तो इसमें से ये चार्जेबल बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन अनचार्जेबल बॉडी में चला, ठीक है, जैसे ही अनचार्जेबल बॉडी में आता है तो ये अनचार्जेबल बॉडी चार्ज हो जाता है,
और यह जितना चार्ज होता है, यह जितना चार्ज होता है यही जानना क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रगड़ा जाता है तो पहले वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाता है, जिसके कारण दूसरा वस्तु चार्ज हो जाता है, जिसके कारण दूसरा वस्तु चार्ज हो जाता है। और यह दूसरा वस्तु जितना चार्ज होता है यही जानना आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है तो पहले वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाता है, दूसरे वस्तु में चला जाता है। जिसके कारण कौन वस्तु चार्ज होता है, दूसरा वस्तु, जिसके कारण दूसरा वस्तु चार्ज हो जाता है। दूसरा वस्तु क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। या दूसरा वस्तु जितना चार्ज होता है, या दूसरा वस्तु जितना चार्ज होता है यही जानना आवेश का क्वांटाइजेशन कहा जाता है, या आप क्वांटीकरण लिख सकते हैं, क्वांटीकरण कहा जाता है। सर जी देखिए, डेफिनेशन रटिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा सर, ठीक है ना। तो देखिए, कहा जाता है जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ दिए तो पहले वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाता है, तो पहले वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है, जिसके कारण दूसरा वस्तु क्या होता है, चार्ज हो जाता है। या दूसरा वस्तु जितना चार्ज होता है यही जानना क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटाइजेशन कहलाता है, या आवेश का क्वांटीकरण कहिए, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, समझ में आया, दिक्कत है। देखिए, ये इसको भूलिएगा नहीं ना, दो वस्तु को आपस में रगड़े, पहले वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया, अब ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया, या जितना चार्ज हुआ यही जानना क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटाइजेशन कहलाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो यह वस्तु कितना चार्ज हो जाता है। मैथमेटिकली समझेंगे कि अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वस्तु जितना चार्ज होता है उसको क्वांटाइजेशन कहते हैं ना। अब ये कितना चार्ज होता है इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे। ओके, ठीक है, देखिए समझते हैं आप, ये सारे के सारे वीडियो से उतार लीजिएगा आप। ठीक है, एक डायग्राम में समझिए आप लोग, थोड़ा सा समझने वाली बात है सर, और उसके बाद कोई खास बड़ी बातें नहीं है इसमें। ठीक है, मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, एक वस्तु बना दिया और तो वस्तु में रब किया, अब दोनों वस्तु को ए नाम दे देता हूँ, इसका बी नाम दे देता हूँ। अब जैसे ही रब करते हैं, ये चार्जेबल बॉडी है, ये अनचार्जेबल बॉडी है, अब रब करेंगे तो क्या होगा, ये बी बॉडी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आप रुकिए, पहले रुकिए, यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां लिखता हूं चार्ज। ठीक है, देखिए समझिए, अगर ये ए चार्जेबल बॉडी था, बी अनचार्जेबल बॉडी था,
हमने दोनों को रब किया, ठीक है। तो अगर ए ए से बी में एक इलेक्ट्रॉन आया, मैं मान लेता हूं अभी फिलहाल ट्रांसफर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, मैं मान लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन किसमें से किसमें गया, ए से बी में गया। तो देखते हैं कि बी वाला ऑब्जेक्ट कितना चार्ज हुआ, तो देखता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिख सकता हूं, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का अमाउंट कितना होता है सर, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। तो वस्तु बी वाला वस्तु कितना चार्ज होगा सर, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। यानि एक इलेक्ट्रॉन ए से बी जाने में बी वस्तु कितना चार्ज हो जाएगा, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ओके, क्या हुआ, वन, ये वन गुना किया सर, ये वाला वन। ओके, अब अगर मैं मान लेता हूं कि ए से बी में कितना संख्या में इलेक्ट्रॉन गया, अब दो इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो बी कितना चार्ज हुआ ये देख लेते हैं। तो दो गुना एक इलेक्ट्रॉन, ओके, तो दो गुना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना सर, 1.6×10⁻¹ कूलम। तो हाउ मेनी चार्ज ऑफ बी, कितना चार्ज होगा बॉडी बी, 3.2×10⁻¹ कूलम बॉडी बी चार्ज होगा सर। ओके, अगर मैं मान लेता हूं कि इसको रगड़ने के बाद तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कितना इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बॉडी बी, ये अच्छा ये बॉडी बी चार्ज हो रहा कि ये चार्ज हो रहा सर, बॉडी बी चार्ज हो रहा। ओके, तो तीन गुना ई बराबर फॉरवर्ड दैट, तीन गुना 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, हाउ मेनी चार्ज ऑफ बॉडी बी, 4.8×10⁻¹⁹ कूलम। ओके, इस तरह काफी सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा सर, काफी सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, अगर n इलेक्ट्रॉन जा रहा है, n मतलब काफी सारा इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉडी कितना चार्ज होगा, n इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, n नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या होगा सर, n गुना e, दैट इज n गुना 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं n इंटू 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ये ऑब्जेक्ट चार्ज होगा, और इसी का नाम हम q रख देते हैं, क्या रख देते हैं, q रख देते हैं। तो q बराबर क्या हुआ हमारे पास, n e, क्या हुआ सर, q बराबर n e, यानी ये वस्तु, इस वस्तु a से जब वस्तु b में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वस्तु कितना चार्ज होगा, n e, जहां n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो a से किसमें जा रही है, b में जा रही है, और e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा सर, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। अच्छा, चूंकि चार्ज दो तरह का होता है सर हमारे पास, चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है, अतः हम क्यू को प्लस माइनस एनी के रूप में भी लिख सकते हैं, समझा, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज कितने तरह का, दो तरह का, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जबकि दूसरा निगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वांटाइजेशन में हमने इन बातों का अध्ययन किया कि चार्जेस, क्वांटाइजेशन में हम दो बातों का अध्ययन किया, पहला बात कि चार्जेस कभी भी स्टेशनरी मूव नहीं करते हैं बल्कि स्टेप बाय स्टेप सीधी मूव करते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो पहले वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है जिसके कारण दूसरा वस्तु चार्ज हो जाता है, और यह दूसरा वस्तु जितना चार्ज होता है यही जानना क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। और यह ऑब्जेक्ट बी अब कितना चार्ज होगा, एन ई, कितना चार्ज होगा, एन ई, एन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए से बी में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। ओके, अब तीसरा प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है।
इसको आप लोग उतार लीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके चलिए अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा है इसका प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव भी इसको कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कंजर्वेशन के अंतर्गत कि देखिए कोई भी बॉडी होता है, कोई भी बॉडी होता है ठीक है ना, तो अगर वह बॉडी होता है तो बॉडी अगर बॉडी है तो उसमें मास होगा, मास समझते हैं ना, द्रव्यमान होगा। अगर वह बॉडी नहीं है तो कोई ना कोई एनर्जी के रूप में होगा, कोई ना कोई एनर्जी के रूप में होगा। ओके, अगर कोई बॉडी है तो उसके पास मास होगा, ओके होगा या नहीं होगा, और या वह एनर्जी के रूप में होगा। ठीक है ना, बॉडी है तो बॉडी के पास मास होगा या एनर्जी के रूप में होगा। ठीक है ना, ओके समझ आ रहा है। देखिए कोई बॉडी है, बॉडी में या तो मास होगा या वो एनर्जी के रूप में होगा। तो उसी के तहत कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन ओनली ट्रांसफर एनर्जी वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी एनर्जी को ना ही हम निर्माण कर सकते हैं एनर्जी का, ना ही विनाश कर सकते हैं, एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। और वास्तव में सर जी एनर्जी जो होता है किसी भी सब्सटेंस में कंजर्वेटिव रूप में होता है, ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी ऑब्जेक्ट में कंजर्वेटिव रूप में होता है। ओके, कंजर्व रहता है, ऐसा समझिए, स्थितिज रूप में होता है। तो इसके अंतर्गत कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत चार्ज का न ही, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का न ही कभी निर्माण किया जा सकता है, न ही कभी विनाश किया जा सकता है, चार्ज को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज का न ही कभी निर्माण होता है न ही कभी विनाश होता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी तरह ऊर्जा का न ही कभी निर्माण होता है न ही कभी विनाश होता है, ऊर्जा को भी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है सर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सर। और इसके संबंध में हम कुछ जानकारी अध्ययन करेंगे कि जैसे देखिए एक वर्ड के बारे में बात करेंगे और वह वर्ड है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए यूरेनियम 238 अपने आप टूटता है सर, ठीक है, यूरेनियम 238 अपने आप टूटता है सर, और जब यह टूटता है तो बहुत ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है, और यही प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि, बहुत ज्यादा प्रकाश, बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा ध्वनि जब वातावरण में फैल जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन अगर हम जानना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं, यूरेनियम 238 अपने आप टूटता है, ठीक है, जब यह टूटता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है और बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है। यही ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि जब वायुमंडल में जाता है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी। देख रहे हैं यूरेनियम अपने आप में टूट रहा है, इसका अंत लग ही नहीं रहा है, और आपको लग रहा है क्या, लग रहा है इसका अंत होने वाला है, नो सर, ये देखिए अपने आप टूट रहा है सर, टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, आगे और ज्यादा टूटता चला जाएगा सर। ठीक है ना,
क्लियर है ना। बॉम्ब जानते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, और ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत। ओके, एटम बॉम्ब जो होते हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन के तरह थ्रू वर्क करते हैं। ओके, अब अगर मैं यूरेनियम 238 की बात करूं, तो यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, 238 इसका एटॉमिक मास होता है, जब ये यूरेनियम टूटता है तो थोरियम और हीलियम में टूटता है। थोरियम प्लस हीलियम में, किसमें? थोरियम प्लस हीलियम में टूटता है। कहीं कहीं आपको 235 दिखेगा। ओके, ठीक है सर, थोरियम और हीलियम में टूटता है और साथ में एनर्जी जनरेट करता है, और यह एनर्जी कोई हो सकता है, ठीक है, लाइट एनर्जी भी होगा इसके अंतर्गत, ध्वनि भी एनर्जी होगा अभी इसके अंतर्गत, और साउंड एनर्जी भी होगा सर, ठीक है ना। तो ये देखिए एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करता है, और यह एनर्जी कहाँ? वातावरण में फैल जाता है, और यही एनर्जी जब वातावरण में फैलता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है सर। समझ में आया? और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जो गामा रेज होते हैं सर, गामा रेज, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा खतरनाक रेज होता है, काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और कहीं ना कहीं जब एटम बम परमाणु विस्फोट हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, जो थे तो उसमें गामा किरणें, परमाणु बम से गामा किरणें बहुत निकली थी, और गामा किरणें क्या करती है सर? जेनेटिक को चेंज कर देती है, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं? चेंज कर देती है, तोड़ भी देती है, ठीक है ना, जिसके कारण आप निंगरे लुगरे पैदे होते रहते हैं। ओके, ठीक है, आज के लिए क्लास बस इतना ही, कल हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, ओके।